भक्तों का कुंभ लगा है। अपने आंगन से वर्षों बिछड़े रहे राम भक्त राम नगरी पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा पहले ही अनूठा धार्मिक संगम हुआ है। श्री राम की अयोध्या में ये संगम है कलाकारों का, जिनके आस्था और प्रेरणा का केंद्र है श्री राम। देखिए कैसे एक सैंड आर्टिस्ट ने प्रभु राम का चित्र उकेर कर राम भक्तों का दिल जीत लिया। रामोत्सव सिर्फ आस्था का उत्सव नहीं है, अयोध्या में सिर्फ राम भक्तों का संगम नहीं है। भक्ति, प्रेम, कला, सुर, संगीत का उत्सव है ये। स्वयं वैश्वत मनु की नगरी में संगम हो रहा है कला प्रेमियों का। बस सबके कला का केंद्र राम है। सैंड आर्ट का ऐसा अद्भुत नमूना शायद अयोध्या में पहली बार देखने को मिला है। यूं तो ये कला का प्रदर्शन है, लेकिन इसका भी केंद्र बिंदु प्रभु राम ही है। रेत से यूं प्रभु राम को मूर्ति रूप किया कि अयोध्या वासी भी देखकर दंग रह गए। अयोध्या में प्रवेश के साथ आपको रामलला की तमाम आकृतियां, तमाम प्रसंग देखने को मिलेंगे। कहीं वृत्त चित्र तो कहीं तमाम खूबसूरत आर्टिस्ट भगवान के जीवन वृत्त पर आधारित प्रसंगों की झांकियां सजा रहे हैं। हम एक जगह मौजूद हैं जहां पर सैंड आर्ट के आर्टिस्ट यहां पर भगवान की मनमोहक तस्वीर बना रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर का मॉडल भी उस तस्वीर में नजर आ रहा है। सैंड आर्ट के जरिए रेत पर प्रभु राम का वनवासी रूप उकेरने वाले ये आर्टिस्ट बलिया के रहने वाले रूपेश है। पेशे से कलाकार, BHU से फाइन आर्ट्स के छात्र और प्रभु राम के परम भक्त। रुपेश ने करीब 5 साल पहले एक प्रण लिया था। वो प्रण रामलला के मंदिर विराजमान का नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची सैंड आर्ट के जरिए प्रभु राम की कलाकृति बनाना उनका प्रण है, और इसी प्रण के पूरा होने का वो इंतजार कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अपने उनके घर में, अपने मंदिर में हो जाएगी, उनका वनवास पूर्ण हो जाएगा, तो मैं अपनी दाढ़ी बाल कटाऊंगा और इसके साथ ही मैं दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड आर्ट बनाकर और देश को भगवान रामलला की स्टोरी पे, भगवान रामलला के जीवन काल से आधारित दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कलाकृति बनाकर और भगवान रामलला को समर्पित करूंगा। यही मेरा संकल्प था। इसीलिए ये कहाँ बनाएंगे? ये मुझे जहाँ स्पॉट मिल जाए, जहाँ कोई प्रायोजक मिल जाए। रुपेश अपने साथियों के साथ देश के अलग अलग कोनों में जाकर सैंड आर्ट बनाते हैं, लेकिन अधिकतर उनके सैंड आर्ट का केंद्र बिंदु श्री राम ही होते हैं। इस बार भी वो अयोध्या में प्रभु राम का वनवासी रूप उकेर रहे हैं, जिसके साथ में राम मंदिर का मॉडल और राम सेतु बनाने में शामिल रही गिलहरी की तस्वीरें उकेरे गई हैं। यानी अयोध्या सिर्फ भक्ति रस में नहीं डूबी है। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। तो सैंड आर्टिस्ट ही नहीं, म्यूजिक आर्टिस्ट भी सरयू के तट पर सुर बिखेर रहे हैं। कोई बांसुरी की धुन राम को सुना रहा है, तो कोई गिटार से राम धुन निकाल रहा है, तो कोई कागज पर हनुमान का साक्षात स्वरूप उतार रहा है। देखिए राम सृष्टा भी हैं और सृष्टि भी। राम दृष्टा भी हैं और दृष्टि भी। राम एकांत भी हैं और महफिल भी। राम गीत हैं और संगीत भी। कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दब।
अयोध्या का आंगन राम के हर स्वरूप का गवाह रहा। सरयू का तट प्रत्यक्षदर्शी। 500 वर्षों बाद एक बार फिर अयोध्या का आंगन और सरयू का तट राम के गीत संगीतों से गूंज उठा है, या यूं कहें कि कलाकारों का संगम हो रहा है सरयू तट पर, जिसका केंद्र बिंदु है श्री राम। तो चर्चित भजन है राम आएंगे, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर बांसुरी और गिटार पे प्ले कर रहे हैं। राहुल प्लीज। देश भर में राममय माहौल है। अयोध्या में तरह तरह के राम भक्त पहुंचे हैं। इन्हीं में शामिल हैं राहुल और आनंद, जिनकी बांसुरी की धुन परमानंद की अनुभूति कराती है। कितना अच्छा माहौल हो गया है, और अब मुझे इस बात की पूरी एकदम अभिलाषा है कि अब ये जो एक कह रहा राम राज आना है, तो राम राज का बेसिकली मतलब ये है, जिस तरह राम का अनुसरण किया है हमने, जिस तरह हम राम को देखते हैं, बस अगर उनका थोड़ा सा भी अगर हमने अपने उतार लिया तो जान लीजिए कि दुनिया बहुत अच्छी हो जाती है। राम आएंगे की धुन पर ये दोनों कलाकार इतनी मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं कि अयोध्या की गलियां राम धुन से गूंज उठी हैं। ये मधुर संगीत कान में जाते ही राम के ध्यान में मग्न हो जाते हैं लोग। मेरा नाम आनंद गुप्ता है, मैं भी अयोध्या का ही निवासी। आज एक अवसर मिला सर की तरफ से कि एक अपने ही अयोध्या में ही अपने ही जगह पे एक अच्छी सी परफॉर्मेंस देने का, जो कि सर के साथ में ही मैंने अभी साथ में ही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी किस्म के जो कलाकार हैं, चाहे वो गायक हैं या संगीत देने वाले लोग हैं, इस राम की पैड़ी पर आ रहे हैं और इस माहौल में और उल्लास और उत्साह घोल रहे हैं। एक से बढ़कर एक राम भक्त अयोध्या में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस राम भक्त को ही देख लीजिए, जिसने राम की पैड़ी पर पेंसिल और तारकोल से ऐसी तस्वीर बनाई कि राम भक्तों का मन मोह लिया। राम की पैड़ी पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर एक युवा कलाकार, उन्होंने पेंसिल से बजरंग बली की एक तस्वीर बनाई है। उनके हृदय में भगवान श्री राम और माता सीता विराजी हुई हैं। मैं 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम लगा था, जिसको पेंसिल से बनाया गया, पेंसिल और चारकोल दोनों से बनाया गया है जी, और ये टोटल 630 पेज में बनाया गया है। बस्ती के रहने वाले आर्यन कक्षा 9 के छात्र हैं। यूं तो उम्र अभी काफी कम है, लेकिन उनकी कला का कोई भी कदरदान हो जाए। 630 पन्नों पर 6 महीने में आर्यन ने ये तस्वीर बनाई है, जो अयोध्या में राम भक्तों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। रामोत्सव अब अयोध्या तक सीमित नहीं है, बल्कि 7 समंदर पार भी राम भक्ति हिलोरे मार रहे हैं। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में बसे वो हजारों लाखों भारतीय जो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आनंदित हैं, उन्होंने अमेरिका के मेरीलैंड में एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या में सबसे बड़ा सांस्कृतिक अनुष्ठान, अमेरिका में राम भक्तों का भगवा अभियान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अमेरिका में गूंज उठी राम की धुन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अमेरिका में लगे जय श्री राम के नारे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जितना उत्साह अयोध्या में है, हर राज्य में है, पूरे भारत में है, वही उत्साह 7 समंदर पार अमेरिका में भी है। हाड़ कंपा देने वाली ठंडी सरसराती हवाओं के बीच भी प्रभु श्री राम का भगवा ध्वज हाथ में थामे राम भक्तों का उत्साह वैसा ही नजर आ रहा है जैसा लंका पर चढ़ाई करते वक्त राम की सेना का था।
अमेरिका में बसे वो हजारों लाखों भारतीय जो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आनंदित हैं, उन्होंने अमेरिका के मैरीगोल्ड में एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने एक एपिक टेस्ला म्यूजिकल लाइट शो का आयोजन किया। अमेरिका में रहने वाले भारतीय हिंदू अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से बेहद खुश हैं और खुद को हिंदू होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दिस राम भगवान्स टेंपल इनॉग्रेशन कमिंग अप, इट्स अ रिजल्ट ऑफ 20 प्लस इयर्स, आई मीन 20 प्लस जनरेशंस ऑफ सैक्रिफाइसेस अक्रॉस 500 प्लस इयर्स। It brings back or it has brought back the pride in the Hindu identity. बीजेपी का सफाई अभियान जारी है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के कैनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में साफ सफाई करने के लिए पहुंचे और मंदिर परिसर में पोछा लगाया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्होंने हनुमान मंदिर में पोछा लगाया और साथ ही साफ सफाई भी की है। कैनॉट प्लेस में स्थित ये हनुमान मंदिर है। आज आप यहाँ पर आए हैं, स्वच्छता अभियान में आपने शिरकत की, सर कैसे देखते हैं? सर मेरा सौभाग्य है और हर भारतीय को ये सौभाग्य प्राप्त है कि अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर स्वच्छता अभियान को बल दे, क्योंकि ये जो अनुष्ठान हम सब ने लिया है मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को साफ करने के लिए, वो हम आगे भी करते रहेंगे। 22 तारीख तक तो हम इसको जारी रखेंगे ही, प्राण प्रतिष्ठा का शानदार कार्यक्रम भी होगा, राम भक्तों का लंबा इंतजार वो खत्म भी हो गया है और भव्य राम मंदिर का निर्माण भी होगा। सर मैं जो आम आदमी पार्टी है वो सुंदरकांड पाठ करने की बात अब कर रही है, वो सिर्फ मीडिया में रहने के लिए ये कर रही है, क्या कि ईडी के समन जो जारी हुए हैं उस पे ना जाए, ध्यान भटकाया जाए, यही काम वो कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 10 साल से दिल्ली में सरकार में है लेकिन मंदिरों से दूरी बनाए रखे हुए हैं और दूसरों को हर महीने पैसा डालते हैं, ऐसा क्यों? श्रीमान अरविंद केजरीवाल क्या इसका जवाब देंगे? हाँ सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह का कहना है कि जहां पर मंदिर बनने की बात हो रही थी वहां बनी नहीं, 3.5 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। जो लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि मंदिर बने, आज उनको एक करारा तमाचा लगा है, वो सोचते बन कैसे गया, हो कैसे गया, ये तो 500 साल से नहीं हो पाया था, लेकिन राम भक्तों की मांग पूरी हुई, जो प्रण लिया था वो पूरा हुआ। अब ये कहूंगा मैं, ये तो भगवान राम को भी काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को काल्पनिक बताते थे और रामलला के केस में ये अपने वकील खड़े करते थे कि राम भक्त कहीं जीत ना जाए, और जब भव्य राम मंदिर 2 सालों में बन गया तो इनको तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो मैं कहना चाहता हूं, आप तो पहले कहते थे कांग्रेस के लोग कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख स्थान समय सब बता दिया, निमंत्रण भी भिजवा दिया, लेकिन ये राम से दूरी बनाए रखेंगे, कांग्रेस के लोग बनाए रखे, भारतवासी राम की जय जयकार करते रहेंगे, राम राज्य भी बन रहा है और राममय माहौल तो हो ही गया। तो राममय माहौल है पूरे देश में, काफी उत्साह है लोग और श्रद्धालु, खासतौर पर कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो अयोध्या की ओर जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, आगे भी खबरें जारी रहेंगी।